अस्सलाम वालेकुम। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज आपके साथ 25 मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी रैंक टॉप इन वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी इंडेक्स 2023। दुनिया में सबसे सेफ शहर कौन से हैं जो अभी इंडेक्स रिपोर्ट आई है। फर्स्ट नंबर पे आता है क्यांगडो और शेंगडोंग। ये चाइना के दो शहर हैं जो दुनिया में पहले नंबर पे सबसे सेफ करार दिए गए हैं। सेकंड नंबर पे है अबू धाबी, यूएई। अबू धाबी जो है ये शहर, ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सेफ तरीन शहर करार दिया गया है। थर्ड नंबर पे है दोहा, जो कि कतर का शहर है। ये तीसरे नंबर पे आया, जो इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुनिया में सेफ्टी सिटी करार दिए गए हैं। नेक्स्ट एंड क्यूज है, विच पाकिस्तानी सिटी रैंक 62 इन वर्ल्ड सेफ्टी सिटी इंडेक्स 2023। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो 62 नंबर पे, जो वर्ल्ड सेफ्टी सिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ शहर है, जिसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद। नेक्स्ट एंड क्यूज है, विच सिटी रैंक टॉप इन क्राइम इंडेक्स 2023। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम किस शहर में है, जो 2023 की रिपोर्ट आई है, जिसका करेक्ट आंसर है कारकॉस, जो वेनेजुएला का शहर है। नेक्स्ट एंड क्यूज है, विच पाकिस्तानी सिटी रैंक 126 इन क्राइम इंडेक्स 2023। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो क्राइम इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें 126 नंबर पे उसका नंबर आए, जिसका करेक्ट आंसर है कराची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हु हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 24 मार्च 2023। पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने 24 मार्च 2023 को रिजाइन दिया है, उनका क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही। इन्होंने रिजाइन दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के अहदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैव रिसेंटली एग्री, दो कौन से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया है आपस में, और उन्होंने आपस की जो एम्बेसीज हैं रीओपन की हैं डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से, जो उनके जो ताल्लुकात थे ख़राब थे, वो तकरीबन 10 साल से जैद से उनकी एम्बेसी बंद थी। तो ये दो ममालिक हैं, सीरिया और सऊदी अरेबिया, इन्होंने आपस में दोबारा इन्होंने एम्बेसीज ओपन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर होल्ड रमजान कॉल वोव टू मीट सून एंड रीओपन एम्बेसी, किन दो ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिले हैं और उन्होंने आपस में कहा है कि हम भी जो एम्बेसीज हैं आपस में ओपन करेंगे दोनों ममालिक की। तो ये सऊदी अरेबिया और ईरान, ये दो ममालिक हैं जिनके काफ़ी क्लैश चल रहे थे। इन्होंने भी कहा, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्यूज है, वर्ल्ड एथलेटिक बैंस ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम, जिसका करेक्ट आंसर है फीमेल इवेंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस, जिसका करेक्ट आंसर है जो यूएसए। नेक्स्ट है, सिनिया आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड विच कंट्री, सिनियाद आइलैंड जो है ये न्यूज में देखा गया है, लेकिन ये किस मुल्क में मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जज इन न्यू जर्सी, न्यू जर्सी अमेरिका की एक स्टेट है, उसमें एक जज बनी है, मुकर्रर हुई है, जो हिजाब पहन के जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, तो उनका क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है नादिया कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट मुस्लिम वोमेन अपॉइंटेड टू हेड ऑफ यूके डिप्लोमेटिक मिशन, यूके का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसमें पहली खातून कौन सी अपॉइंट हुई है, तो उनका नाम है फोजिया यूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन एंड ईयू
ओके ब्रिट्स बैक फॉर, इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थन आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन रिपोर्ट प्लेसेस पाकिस्तान इन, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कैटेगरी में उन्होंने प्लेस किया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाला हैरिस टू डिस्कस चाइना इन्फ्लुएंस डेबिट डिस्ट्रेस इन, इसका करेक्ट आंसर है ये अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया टेस्टिस न्यू अंडरवाटर न्यूक्लियर अटैक, नॉर्थ कोरिया ने जो न्यू टेस्ट किया है न्यूक्लियर अटैक का अंडरवाटर में, तो इसका करेक्ट आंसर है उसका नाम है ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दिस डे 25 मार्च 1992 को फर्स्ट पाकिस्तानी वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर कैप्टनसी ऑफ इमरान खान। 25 मार्च 1992 को इमरान खान ने जो 92 का वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम टू एंड द टीबी एपिडेमिक बाय, WHO ने अपना जो मकसद एम बनाया है कब तक ये टीबी का मर्ज ख़त्म किया जाए, जिसका करेक्ट आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट टू द, रिसेंटली विच कंपनी चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्नी लेविन हैज़ रिजाइन फ्रॉम कंपनी आफ्टर 13 ईयर्स, जो जिनका नाम है मार्नी लेविन, इन्होंने रिजाइन किया है 13 साल के बाद अपनी कंपनी से, तो इसका करेक्ट आंसर है मेटा। मेटा जो के जो चीफ बिजनेस ऑफिसर है इन्होंने रिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी इन व्यू ऑफ द डेंगी आउटब्रेक, डेंगी आउटब्रेक की वजह से हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी अपने मुल्क में, तो ये कहाँ पे हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है प्योरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को, यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की 26% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव, यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 26% जो लोग हैं उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिविलियन अवार्ड वॉज गिवन टू एम्बेसडर रिटायर्ड रोबिन लेन राफेल फॉर हिज सर्विस टू पाकिस्तान, सिविल अवार्ड दिया गया है ये रोबिन लेन राफेल को, जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमात दी हैं, तो उनको हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान अवार्डेड हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जहांगीर खान जो जिनको स्कॉश लेजेंड कहा जाता है उनको निशाने इम्तियाज का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ईयर हाउ मेनी अवार्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशाने इम्तियाज, इस साल जो है निशाने इम्तियाज कितने लोगों को दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लियोस कैफ्रीली यूएस अर्जेंटीना रिसर्चर वाज अवार्डेड, जो लियोस कैफ्रीली यूएस अर्जेंटीना रिसर्चर हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है अबेल प्राइज अवार्ड 2023 फॉर मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई विल ओपन वर्ल्ड टालेस्ट होटल विद 1000 रूम्स इन, 1000 कमरों पर मुहित दुबई का ओपन वर्ल्ड जिसका नाम है टालेस्ट होटल है, ये कब उसका इफ्तिताह या ओपन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इज नाउ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन, स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है कब रजिस्टर्ड हुई है, इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट चाइनीज मैन टू विन अ ATP टूर टाइटल, पहला चाइनीज आदमी जिसने ATP टूर टाइटल अपने नाम किया तो उनका क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है वो वेबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर म्यूस ओजेल रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल ऑन, ये जो जर्मनी के फुटबॉलर हैं म्यूस ओजेल, इन्होंने रिटायरमेंट किया फुटबॉल से किस स्टेट को, जिसका करेक्ट आंसर है
22 मार्च 2023 को। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं, और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेस पे ये आपको करंट अफेयर मिलते रहे। और इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।